नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता नरेश ग्रोवर जी हैं। बीच में ये कोविड के संक्रमण से संक्रमित हुए थे, लेकिन एक बार फिर अपने काम पर लौट आए हैं। सर, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सर, कोविड आपको बीच में जो दूसरी लहर आई, आप भी इससे संक्रमित हो गए, तो कितने दिनों तक आपको ये परेशानी झेलनी पड़ी? क्या दोनों टीके तब आप लगा चुके थे या एक टीका आपने लगाया था? एक टीका लगा था और ये 12 दिन मेरे को रहा। 12 दिन रहा, तो टीका लगाने का आपको फ़ायदा हुआ? टीका लगाने का फ़ायदा हुआ। हाँ, कोविशील्ड लगाया था हमने जी, और उसके लगाने के एक महीने के बाद जी हुआ था ये हमारे को, क्योंकि लहर एकदम आई जब दूसरा लगवाने जाने थे, उससे पहले ही हो गया था फिर। जी जी, तो आपके फेफड़ों को उतना संक्रमण नहीं हुआ? 12-13 दिन रहे? हाँ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। घर में आइसोलेशन कर लिया था। इस दौरान क्या रूटीन रहा आपका? मंदिर में बात करते थे या घर में आइसोलेशन में थे? जी, आइसोलेशन में जाते जो फ़ोन में बात कर ली, क्योंकि अदरवाइज किसी से मिलना जुलना ज़्यादा अलाउड ही नहीं था, डॉक्टर ने मना किया हुआ था जी। तो फिर आइसोलेशन में रहना था, अपने कमरे में रहे जी, और फ़ोन पर जिनसे बात करनी जो ज़रूरी थी वो बातें हमने की जी। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आप काफ़ी फिर से एक्टिव हो गए हैं अपने काम पर, सामाजिक जीवन को फिर से जो आप देते हैं, तो आप क्या कब से ये सामाजिक कार्यों में जुटे हैं? क्या पहले से सामाजिक कार्यों में जुटे हैं या पहले कोई व्यवसाय करते थे? बहुत पुराने जुड़े हुए हैं इस मंदिर से, और दूसरी जगह से मंदिर से हम जुड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, कहने वाली बात ही नहीं कि कितना टाइम हो गया, कुछ ऐसा है ही नहीं। जब से शुरू हुआ तब से लगे हैं, और फिर ज़्यादा हल्के हल्के, पहले नॉर्मल चीज़ें थी, क्योंकि इसमें जो मेडिकल इंस्टीट्यूट बना वो बाद में बना आके, तो तब से ज़्यादा एक्टिव हो गए और ज़्यादा उसके अंदर जी। जी, मंदिर क्या क्या कार्य करता है? मंदिर में कार्य होता है हमारा फिजियोथेरेपी का होता है जी, किसी को हड्डियों की तकलीफ है जी। अब मेडिकल की बात कर रहे हैं, मतलब मेडिकल के क्षेत्र में मंदिर काम कर रहा है? हाँ, मेडिकल, सारा मेडिकल का है डिपार्टमेंट मंदिर का है, उसमें से एक हिस्सा जो है वो मेडिकल बनाया हुआ जी। जी जी, तो ये आप जिस मंदिर की बात कर रहे हो, जंगपुरा एक्सटेंशन सी ब्लॉक में है जी। जी, सनातन धर्म मंदिर। तो मेडिकल के अलावा और भी कोई सेवा कार्य आप लोग करते हैं? हाँ, सेवा करते हैं, जैसे अभी कोविड हुआ है, अभी भी हमारे यहाँ स्पेशली हम खाना बनवा के दोपहर को खाना बांटते हैं जी लोगों को, जो भी आते हैं गरीब लोग, उनके लिए खाना पक्का बना दिया हमने, जो जाता ही है दोपहर को एक बजे देते हैं हम खाना। कहाँ भेजते हैं आप ये खाना? नहीं साहब, खाना वहीं आके खाते हैं, जितने भी सब लोग आए, शाम को खिचड़ी देते हैं, दोपहर को खाना देते हैं, रोज महीने के पूरे 30 दिन का। ये जो आपने खाना खिलाने वाला जो कार्यक्रम शुरू किया है, ये कब से शुरू किया है? ये 2 महीने हो गए 2.5 महीने हुए। 2 महीने हुए, कितने लोग रोजाना आपके यहाँ खाना खाते हैं? अंदाजन 100 के करीब, 9 कभी 80-90 रह जाते हैं, कभी 110-120 हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि इसी इलाके के लोग आते हैं ज़्यादा। जो लोग आपके यहाँ रूटीन भोजन करने आते हैं, तो वो उनमें ये ज़्यादातर ज़रूरतमंद लोग या रिक्शा चालक? ज़रूरतमंद लोग, और ऐसा नहीं ज़रूरतमंद लोग, और उसके अलावा रिक्शा वाले, फल वाले, और आसपास जो बिल्डिंगें बन रही हैं वो वाले, और कोई दूसरे भी ऐसे अच्छे भी हैं, क्योंकि जो अच्छे जो घरों से हैं वो भी खाना, क्योंकि उसको प्रसाद समझ के लेते हैं जी। मतलब ये जो खाने का प्रोग्राम आप बता रहे हैं, जो शुरू किया कार्यक्रम आप लोगों ने, ये क्या आपके मन में थॉट आया कि इसे शुरू किया जाना चाहिए? किस मतलब ताकि लोगों को पुष्टाहार मिले, या फिर ज़रूरतमंदों को आपने देखा कि भोजन की कमी पड़ रही है, क्या आपके मन में आई बात आप लोगों के? भाई यही आप कह सकते हो कि भोजन की कमी, और ऐसा लगा हमको कि कुछ ऐसा होना चाहिए मंदिर की तरफ से भी, लोगों को खाना मिले दोपहर को, क्योंकि गरीबी तो बहुत ज़्यादा, लोगों के काम नहीं चल रहा है, दुकानें बंद हैं, रेड़ियाँ बंद हैं, तो कुछ उसी को सोच के हमने किया है। रेड़ियाँ बंद हैं, उनके लोगों की इनकम भी बेचारों की ख़त्म हो गई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे ही खुलता है 10-15 मिनट पहले ही आके लोग खड़े हो जाते हैं और खा के पूरा तकरीबन, जब तक खाना ख़त्म नहीं होता है या जितना थोड़ा बहुत रहता है खब खा के ही जाते हैं वहाँ से जी। जी, अच्छा ये मैंने कई लोगों ने आपके बारे में बताया कि आप जो कोविड की पहली लहर थी उस दौरान भी काफ़ी लोगों की मदद के लिए आप आगे आए थे, और सेकेंड लहर में तो खुद ही आप संक्रमित हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये बाद में आप लोगों को गाइड करते रहे और काफ़ी एक्टिव अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या कभी मन में डर सा भी लगा कि भाई मुझे, कई लोगों को बहुत भय होता है, वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, लेकिन आपके बारे में कहते हैं कि आप लगातार निकले? ऐसा है कि पहली दफ़ा तो मेरे बेटे को हुआ जी, तो थोड़ा उसको समझाते रहे, वो भी आइसोलेशन में था, तो इतना डर नहीं लगा। जब दूसरे में अपने को और इतना तगड़ा फैला था कि डर तो लगा ही सबको, ये नहीं कहूँगा कि नहीं लगा, मगर फिर भी हम
लगे रहे, जुटे रहे, जो जरूरी काम था, जो कुछ भी कर सकते थे हमने किया। मगर 12 दिन बीमार रहने के बाद हम घर से और मंदिर में जाना शुरू किया, कम से कम 20 दिन के बाद। 12 दिन मतलब 20 दिन टोटल मिला के जो जाना शुरू किया वहाँ शुरू किया काम पूरा, क्योंकि जो लोगों का काम है वो तो है, करना ही करना है। ये बात, आप पहले कारोबारी रहे, एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका काम था मेरा, तो फिर अब पूरा डेडिकेशन तो पूरा सारा इस तरफ ही है, इसमें देते हैं मंदिर में और मंदिर से जुड़े हुए कार्यक्रम जो कार्यक्रम है उसमें, खासकर ये मेडिकल जो सेवा मेडिकल की है, अब भोजन का भी आप लोगों ने कर दिया है। तो अचानक ऐसा क्या कब मन में आया कि भाई अपना काम अब बहुत हो गया है, अब सेवा कार्य में पूरी तरह से जुड़ना है? देखो ऐसा है कि एक तो एज हो गई थी जी, और फिर लगा कि अपना ही कर रहे हैं, बच्चे भी, तो हमने सोचा अब इसको बंद करें, एज हो गई है हमारी जी। तो कर लिया, कुछ बिजनेस की हालत ऐसे हुए और कुछ वो बात बनी, सरकमस्टांसेस बनते गए एक के बाद एक जी। तो फिर उसको डिसाइड किया कि अब इसको बंद करके और दूसरी तरफ लगा जाए पूरा करके, कुछ बहुत काम कर लिया पहले भी, तो अब कब तक आदमी काम करता रहेगा, आफ्टरऑल एज के हिसाब से काम बंद करना ही करना है आदमी को। अच्छा आप, मैंने एक चीज़ और देखी कि आप जिस मंदिर समिति की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर एक ओल्ड एज या ये कह दीजिए कि सीनियर सिटीजन ज़्यादा वहाँ एक्टिव हैं, तो क्या नई पीढ़ी के लोगों को भी आप उसमें एक्टिव करते हैं या कर रहे हैं? हैं, काफ़ी हैं जी। मगर वो एक हमको टाइम देते हैं, उनका वो टाइम होता है जिस टाइम में वो अपने ऑफिस से या निकल सके, वो आना चाहते हैं, बहुत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत यंग भी कर रहे हैं, कुछ जो ऐसे हैं जो हाफ डे काम कर रहे हैं, जिनकी शिफ्ट अलग अलग, वो आके यहाँ काम करते हैं, बहुत हैं जो सेवा कारक हैं हमारे, जो डॉक्टरों को देखने का काम करते हैं, उनका नंबर लगता है, लिस्ट लगती है सारी के कौन सा डॉक्टर किस वक्त तक आएगा, तो उस वो बाहर देखने वाला है, पेशेंट को अटेंड करने वाला चाहिए 13 नंबर अंदर जाने के लिए, तो उसी के लिए काफ़ी जवान है जी जी, ओल्ड एज भी हैं मगर जवान भी काफ़ी हैं जी। इस तरह एक्सरे का हमारा ही इज़ ए यंग मैन, इस तरह हमारे फिजियोथेरेपी के हैं डॉक्टर हैं यार यंग, और जो सेवा करने वाले हैं वो भी वहाँ पे। अच्छा आपके यहाँ जो डॉक्टर आते हैं, क्या आप लोग के जरिए उन्हें कुछ पेमेंट या कुछ विजिट का दिया जाता है, या वो भी सेवा कार्यों में ही जुटे हुए हैं? उसमें ऐसा है कि दोनों चीज़ें चल रही हैं, हम कुछ देते भी हैं और कुछ कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं जिन्होंने 27-28 साल हो गए उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, वो सिर्फ सेवा के लिए आते हैं जी जी। जैसे आयुष डॉक्टर है, अनुराधा चुग है, इधर और हैं ऐसे, उन्होंने आज तक कभी पैसा नहीं लिया और पूरी सेवा करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर्स भी अब। अच्छा जो डॉक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं वो आपकी कमेटी के भी सदस्य हैं उनमें से कुछ? नहीं, डॉक्टरों कमेटी में सदस्य बनना जरूरी नहीं है, बनना जरूरी नहीं है, मतलब कोई बनाया गया है क्या? कोई अगर बनना चाहे तो बन सकता है, बट मोस्टली क्योंकि ये बाकी जगहों पर भी जाते हैं डॉक्टर, सिर्फ यहीं नहीं आते हैं जी जी। सवेरे हर को 3 घंटे तक को 4 घंटे तक अपने डिपार्टमेंट के अंदर वैसे हिसाब से टाइम करते हैं, क्योंकि उन लोगों के अपने क्लिनिक भी हैं और जहाँ काम करते हैं वहाँ भी काम करें, एक जगह नहीं बहुत जगह सेवा के लिए जाते हैं, कुछ जगह पैसों के लिए भी काम करते हैं। सर ये जो आप लोग मंदिर में जैसे भोजन की व्यवस्था होगी और आप जो है पहले से आप लोग मेडिकल सेवा पर भी काम कर रहे हैं, अब क्या फर्दर इसमें क्या आप लोग सोच रहे हैं कि क्या आप करने जा रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, बीटी कमेटी बैठी, कमेटी बैठेगी दोबारा कि और इसमें हमने और क्या करना है जैसे चीज़ें। अब हमने एम्बुलेंस ले ली यहाँ पे, 24 आवर्स एम्बुलेंस जंगपुरे में फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अवेलेबल है एम्बुलेंस, उसमें सब चीज़ फैसिलिटी है, ECG लगा रहता है एम्बुलेंस के अंदर, ऑक्सीजन है और डॉक्टर है साथ जो जाता है पेशेंट के, और 24 आवर्स अवेलेबल है विदाउट एनी। ये एम्बुलेंस सेवा आपके यहाँ कब से अवेलेबल? अभी शुरू हुई है, कोई समझ लीजिए 1 महीना के करीब हुआ, 1 महीने करीब में। तो ये एम्बुलेंस संस्था ने खुद खरीदी है या किसी डोनर ने इसको? किसी डोनर ने हमको दी है, किस डोनर ने दी है, ताकि लोगों की मदद हो सके, लोगों की मदद हो सके, क्योंकि पीछे आया था सब जगह पेपर में वेब के अंदर कि बहुत महंगा गल चार्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसके से हल निकाला है ये तो बड़ा अच्छा कार्य हुआ कि किसी को कोई चार्ज नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ जाती है किसी इलाके में, इतना बड़ा इलाका है जंगपुरा एक्सटेंशन, तो उसमें हर जगह के लोग आते हैं और हम पदनगर में लाजपत नगर में जहाँ किसी को वैन चाहिए होती है एकदम भेजते हैं ये अपनी एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस चलाने में तो बड़ा खर्चा आएगा क्योंकि मेडिकल सेंटर ऑलरेडी कॉस्टली आ रहा है खर्चा, मगर वो कह रहे हैं 68,000 का तकरीबन खर्चा है पेट्रोल वगैरह मिला के इसका हर महीने, वो कर रहे हैं वो कर। सर आपके बारे में हमने सुना है कि आप व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों की मदद करते हैं, फीस देना हो या रिक्शा दिलाना हो या किसी की आर्थिक मदद करनी हो, क्या इसमें मतलब आप
सच्चाई कितनी है? अब सच्चाई इतनी है, देखो जितने लोगों की हमने मदद की, कई लोगों को पेरेंट्स की डेथ हो गई थी उसके लिए उनको मशीन गारमेंट्स के लगाई थी, मशीन गारमेंट ली, मशीनें दी, मैंने कहा बस साथ उनको काम दिया तो यहाँ से काम मिल जाएगा, उन्होंने काम किया, जंगपुरे के अंदर ही किया यहाँ पे काम, उन्होंने काम किया, वो सफल हो गए। ऐसे ही कोई आता है या किसी को कोई परेशानी है या किसी फीस की या वैसे किसी किस्म की परेशानी, तो जो हमारे से वो पड़ता है उसके हिसाब से हम कर देते हैं उसके लिए मदद, और ये करते आ रहे हैं। अब मेरी उम्र 78 साल हो गई है, रिटायर हो चुके हैं पूरे, और जो अपने से बन पाता है, जो ठीक समझते, जैसे कई झूठ बोलने वाले भी आते हैं जो बोलते हैं, उसके हिसाब से जो जज किया उनको दे देते हैं। बहुत लोगों के लिए, बच्चों के स्कूल के लिए या वैसे किसी को काम दिलवाना हो, काम ना मिल रहा हो, कोई परेशानी हो, वो सारे काम करते आ रहे हैं, मैं करता आ रहा हूँ, इसी को काफ़ी देर से कर जब छोड़ा है, क्योंकि अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, और ये सोच के करना है कि मतलब किसी की भला हो जाए हमारा। जी जी जी, यही हम कर रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है। ये तो किसी को रिक्शा के लिए मदद चाहिए हो तो ये नहीं कहता जी कि मेरे को इतने पैसे दे दो, इतने मेरे पास हैं, तो वो भी हमने मदद की है, मगर हम ये इस चीज़ को कहना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि ये फिर हमको अच्छा नहीं लगता। जी जी, किसी को किसी का बताना वो अच्छाई के बाद जो है बहुत सारे लोग प्रचार कराते हैं अपना कि भाई मैंने पत्थर लगवा देते हैं, लेकिन आप उन लोगों में हैं जो लोगों की अच्छाई करते हैं लेकिन अपना प्रचार भी नहीं करते हैं। हमारे को ऐसा भी है, बहुत सब्जी वाले, बहुत रेडी वाले आए, मैं नाम नहीं बताना चाहता, जिनकी दुकानदारी बिल्कुल नहीं चल रही थी, उन्होंने कहा जी हमारी मदद करो, सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, वो भी हमने उनको दिए, ये नहीं, मगर हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता। उस आदमी का, गरीब का मजाक उड़ता है कि उससे मदद ली, क्योंकि ना उसको कहते हैं कि इससे बात करो कि हमने जो दिया है या कुछ किया है, तो वो सब्जी वाले, फल वाले, बहुत लोगों के लिए किया है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा किए, पर जो हमारे जितना भी आपने किया वो काफ़ी है, तो उसी के लिए वो बहुत धन्यवाद भी देते रहते हैं, उसके बगैर बाद में भी आके मिलते रहते हैं धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि अब चढ़ पड़े हैं, और इस वेव के बाद, इस वेव से पहले भी हमने किया था और उसके बाद इस वेव में तो काफ़ी लोग आए। ये तो बहुत बहुत बड़ा समझ गया। थैंक यू सर, थैंक यू।